नूरपुर आज हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी की बैठक 45 मील में संपन्न हुई, जिसमें अभी हाल ही में शिवनी से लेकर मटौर तक जो दूसरी तीन की नोटिफिकेशन सरकारी मीडिया में दी गई। क्षेत्र के वहां के लोग बहुत असमंजस में थे, इसमें क्या क्या आपत्ति हमें दर्ज करानी है, क्योंकि उनको 10 दिन का समय मीडिया के माध्यम से दिया गया था। लोक बॉडी सरकार से पूछना चाहती है कि क्यों वह जनता के साथ हमेशा बेरुखी बनाए रखती है, क्योंकि अगर आपने भू अधिग्रहण करना है तो इसके लिए सरकार एक सर्कुलर जारी करे और पंचायतों के माध्यम से सड़क किनारे बसे लोगों को बताएं कि आपकी इतनी जमीन जानी है, आपको इतना मुआवजा मिलेगा और यह प्रक्रिया इस तरह से चलनी है। सारी जानकारी सरकार को उनको बतानी चाहिए, जबकि ऐसा ना होकर सरकार अपनी मनमर्जी से जनता को बिना बताए उनकी बहुमूल्य जमीन के कौड़ियों में जाम लगाकर नोटिफिकेशन कर देती है और बहुत से लोग उन नोटिफिकेशनों को पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग हिमाचल के खेती करते हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, और अगर किसी ने पढ़ी भी हो उनको सरकार की भाषा समझ में नहीं आती। इस तरह से आपको समय आने पर ठगा हुआ महसूस करते हैं और सरकार इस तरह का व्यवहार अपना कर जनता को भ्रमित करती है और उनके जो जायज हक जो उनको मिलने चाहिए उनको आधी अधूरी जानकारी देकर भगती आए है। जिस तरह से बाकी के भू अधिग्रहण पीड़ितों को सरकार ने ठगा है, लोक बॉडी सरकार से यह आग्रह करती है कि कृपया अपने नेताओं को आदेश करें कि वह जनता के बीच जाएं और उन्हें भू अधिग्रहण बारे समझाएं। सरकार अपना तंत्र इस्तेमाल करें और उनकी आपत्तियां स्वयं बनवाएं और सरकार उनकी हर संभव सहायता करे। यदि लोगों ने अपनी अपने अखबार में यह सूचना ना पाई होती तो आम जनता को इसका कितना नुकसान होता है यह सरकार भलीभांति जानती है। हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी लगातार फोरलेन भू अधिग्रहण पीड़ितों को न्याय दिलवाने हेतु प्रयासरत है और आगे भी अपनी सेवाएं इसी तरह फोरलेन पीड़ितों को देती रहेगी। इस मौके पर विशेषकर लोक बॉडी सदस्य श्रीमान हरि किशन चौधरी जी, जिन्होंने यह बैठक तक हवाए और उनके साथ बहुत सारे स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश में जब से फोर लेन चर्चा का विषय बना हुआ है, आज पिछले 8-10 सालों से ये चर्चा चलती रही, लेकिन अभी अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुई हमारे SDM महोदय शाहपुर की तरफ से, तो उसमें जनता का कहीं भी वर्सन नहीं लिया गया, जनता से कहीं पूछा नहीं गया। डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, आशा वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स आते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो बुजुर्गों की है, जिसके रोटी खानी है लोगों ने, उसको छीना जा रहा है, तो कम से कम उसका सेमिनार लगा के लोगों से ये तो कहा जाए कि आपको ये पैसे दिए जाएंगे या ये दिया जाएगा। धन्यवाद। जब हमारी ये समस्या जनता की लगातार पिछले 3-4 साल से हम लोग रड़ा रहे हैं, मतलब चिल्ला रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि भाई ये 3-3 अवार्ड बंद करें, आपने हमारी एक जमीन लिया तो हमें एक रेट दें, इसका एक ही आप बोलते हैं कि एक रेट वन प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो उसी हिसाब से आप करें, क्योंकि फोर लेन तो पूरी चाहे पठानकोट से लेकर मंडी तक तो फोर लेन ही बननी है, तो फोर लेन का मतलब तो एक ही फोर लेन है, इसमें अलग अलग नाम तो है नहीं है, तो उसके लिए जनता को जागरूक किया जाए। और मैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है कि सारे बंदों को एक ही उसे डंडे से ना हाँके, क्यों आप गरीब जनता का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। एक छोटा सा आप उनको बताएं, उनको अपने SDM ऑफिस में बुला लें कि आप उनको बताएं कि भाई को ये पता ही नहीं है कि इनकी पहली नोटिफिकेशन जो कब हुई थी और इनको क्या रेट दिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार इनके साथ भी वैसा ही गंदा खेल ना खेले और आने वाले समय में इनको राहत दे और इसके लिए इनका समाधान शीघ्र, और खासकर विशेषकर हमारे जो SDM है यहां के, वो इसके ऊपर कोई डिसीजन लें। नूरपुर से आपका फैसला TV के लिए संवाददाता विनय महाजन की रिपोर्ट।